तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन चैनल में। आज की पाइथन की क्लास कलेक्शंस में डिक्शनरी के ऊपर होने वाली है। क्या होती है डिक्शनरी और कैसे इसके साथ वर्क किया जाता है, चलिए इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए ओपन कर लेते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। हर बार की तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक नई फाइल ओपन करके रखी हुई है एंड कमेंट्स करके लिख कर रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं डिक्शनरीज क्या होती हैं। डिक्शनरीज कलेक्शन टॉपिक में 10 टॉपिक होती हैं। अभी तक हमने लिस्ट पढ़ा है, टपल पढ़ा है, सेट पढ़ा है एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिक्शनरी। हमारी डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड होती हैं, यानी कि ये भी सेट की तरह से पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है कि अगर हम जिस सीक्वेंस में वैल्यूज दे रहे हैं उसी सीक्वेंस में सभी वैल्यूज प्रिंट होंगी या नहीं होंगी। चेंजेबल होती हैं, मतलब एक बार अगर हम डिक्शनरी को क्रिएट करते समय कोई वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो उसे हटा करके कोई नई वैल्यू उसकी जगह पर इंसर्ट करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि हमारी डिक्शनरीज चेंजेबल होती हैं। इसके साथ साथ हमारी डिक्शनरीज इंडेक्स भी होती हैं, यानी कि हम इस पर इंडेक्सिंग का यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक डिक्शनरी को और देखते हैं कि इसके साथ कैसे वर्क किया जाता है। सबसे पहले कर लेते हैं अपनी फाइल को सेव, दबाते हैं कंट्रोल प्लस एस एंड देते हैं अपनी फाइल का नाम। लेट सपोज हम अपनी फाइल का नाम dict देते हैं .py। नीचे ऑल फाइल्स है, आपको ध्यान रखना है फाइल को सेव करते समय फाइल को एक्सटेंशन .py लगाना है एंड सेव एस टाइप में ऑल फाइल्स को लेना है। तो हमारा सभी टेक्स्ट प्रॉपर कमेंट्स बन चुका है। बनाते हैं अपनी एक डिक्शनरी। लेट सपोज माई डिक्ट इज इक्वल टू, डिक्शनरी बनती है सेट्स की तरह कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, लेकिन सेट्स एंड डिक्शनरी में बहुत बड़ा अंतर है कि सेट्स में हम इंडिविजुअल वैल्यूज देते थे जैसे कि एप्पल, बनाना, कीवी एंड सो ऑन। तो इस तरह से एक, दो एंड तीन वैल्यूज हमने दी थी सेट्स के अंदर, लेकिन हमारे डिक्शनरीज में इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं, वैल्यू का पेयर चलता है एंड हर वैल्यू के पेयर को की एंड वैल्यू का पेयर बोला जाता है एंड की एंड वैल्यू के पेयर को कुछ इस तरह से लिखा जाता है की कोलन वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैंने रखा कर्सर एंड प्रेस किया एंटर की। जो की होगी उसे हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर देंगे। लेट सपोज हमने दिया नेम, कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद उसकी वैल्यू, वैल्यू अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो आपको सिंगल कोट लगाने हैं और अगर कोई इंटीजर यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आपको सिंगल कोट का इस्तेमाल नहीं करना है। लेट सपोज नेम दिया मैंने, किसी कार का नेम ले लेते हैं मारुति। तो ये हमारा एक की एंड वैल्यू का पेयर हो गया और ये की एंड वैल्यू का वेयर हमारा पहला आइटम होगा। एक आइटम के बाद हम जैसे कॉमा लगाते थे उसी तरह से लगाएंगे कॉमा एंड एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट की एंड वैल्यू का पेयर यानी कि पूरा का पूरा एक आइटम नीचे लिखेंगे। लेट सपोज हम नेक्स्ट की देते हैं कैपेसिटी, कोलन लगा के इसकी वैल्यू 125 cc। तो ये हमारे सेकंड की वैल्यू का पेयर हो गया, दैट मींस सेकंड आइटम ऑफ द डिक्शनरी। की एंड वैल्यू के बाद लगाएंगे अगेन कॉमा, फिर से हम नेक्स्ट वैल्यू देते हैं मॉडल, कोलन लगाते हैं। लेट सपोज इस बार हम टेक्स्ट वैल्यू ना देकर कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर ईयर दे देते हैं 2018 एंड इसके बाद हम कोई की एंड वैल्यू का पेयर नहीं देते हैं तो लास्ट में हमें कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जो डिक्शनरी होती है उसमें एक आइटम एक की वैल्यू का पेयर है, ये हमारा पहला आइटम है। इसी तरीके से ये की वैल्यू का पेयर हमारा दूसरा आइटम है एंड इसी तरीके से ये की एंड वैल्यू का पेयर हमारा तीसरा आइटम है। एंड अब अगर हम प्रिंट करके देखते हैं माई डिक्ट को तो आइए देखते हैं कैसा आउटपुट हमें मिलता है। चलिए करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन। सबसे पहले चलते हैं अपने पाइथन फोल्डर के अंदर, लिखेंगे cd स्पेस पाइथन एंड अब अपनी फाइल को रन करते हैं। फाइल को रन करने के लिए लिखना होगा हमें py स्पेस अपनी फाइल का नाम dict.py एंड प्रेस करते हैं एंटर की। तो ये देखिए हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी डिक्शनरी को की एंड वैल्यू के पेयर के रूप में बना सकते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर होता है सेट एंड डिक्शनरी के बीच में, जबकि सेट्स एंड डिक्शनरी दोनों ही कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं। जहां सेट्स हमारे सिंगल आइटम के साथ लिखे जाते हैं वहीं पर डिक्शनरी के अंदर की एंड वैल्यू के पेयर में सभी आइटम्स रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हाउ टू एक्सेस आइटम्स। हम डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस कैसे कर पाएंगे।
हमें डिक्शनरी के पर्टिकुलर किसी एक आइटम को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंट करते समय उसके की का नाम देना होगा। लेट सपोज कि प्रिंट करते समय हमने लगाया मैडिट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोर्स में हम देते हैं नेम। नेम क्या है? की है। तो क्या होगा अगर हम प्रिंट करते समय डिक्शनरी के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसकी की दे देते हैं तो उस की पर्टिकुलर क्या वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट के रूप में मिल जाती है। ये देखिए हमें मिल गया मारुति और हम इसे डायरेक्ट प्रिंट ना करके किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज हम प्रिंट के अंदर से इसे हटा देते हैं, यहाँ पर आकर के एक एक्स वेरिएबल लेते हैं, एक्स वेरिएबल के अंदर हम इसे रख लेते हैं। तो हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू माइडिक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नेम, तो माइडिक के अंदर जाकर नेम की जो भी वैल्यू होगी वो उठा करके लाएगा जैसे कि मारुति और उसे एक्स वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। और एक्स वेरिएबल को अगर हम प्रिंट करके अब देखते हैं तो फिर से हमें सेम रिजल्ट मिलता है। चाहे आप डायरेक्ट इसे प्रिंट के अंदर रख दीजिए या फिर चाहे आप पहले इसे किसी वेरिएबल को असाइन कर दीजिए और उस वेरिएबल को प्रिंट करा लीजिए। इसी प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर एक आइटम को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर गेट फंक्शन भी होता है। गेट फंक्शन कैसे यूज किया जाएगा? लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू माई डिक्ट डॉट गेट लगाएंगे क्योंकि गेट एक फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट में दे देंगे अपनी की का नाम जैसे कि नेम। अब क्या होगा माई डिक्ट में जाएगा गेट करेगा, क्या गेट करेगा? नेम गेट करेगा। नेम की जो भी वैल्यू होगी उसे उठाकर एक्स वेरिएबल को असाइन कर देगा और एक्स वेरिएबल को प्रिंट करने पर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेट सपोज अपनी फाइल को रन करते हैं, ये देखिए हमारे पास अगेन इसकी वैल्यू मिल चुकी है। यही काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना किसी वेरिएबल को असाइन किए हुए। तो हम यहाँ पर जो एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है वैल्यू उसे हम हटा देते हैं एंड इस पूरी लाइन को उठाकर इस प्रिंट के अंदर अगर हम लिख देते हैं एक्स की जगह पर तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए तो इस तरह से हम अपनी डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लेंथ ऑफ द डिक्शनरी कैसे निकालते हैं। डिक्शनरी के लेंथ निकालने के लिए हमें अपनी डिक्ट को लेंथ फंक्शन के अंदर रख देना है। प्रिंट करते समय प्रिंट के अंदर हमने लिखा लेंथ और पैरेंथेसिस के अंदर अपनी डिक्शनरी का नाम दे देंगे। ये देखिए टोटल हमारे पास तीन लेंथ आ गई है, यानी कि एक की वैल्यू का पेयर, दूसरा की वैल्यू का पेयर एंड तीसरा की वैल्यू का पेयर, यानी टोटल तीन आइटम्स हैं हमारी डिक्शनरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू चेंज वैल्यू, कैसे हम अपनी डिक्शनरी की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अपनी डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें उसकी की का यूज करना होगा। लेट सपोज हमारी डिक्शनरी है माई डिक्ट, तो लिखेंगे माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट के साथ हम देते हैं मॉडल इज इक्वल टू, अब हमारा मॉडल 2018 पहले से लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि 2018 की जगह पर हो जाए 2020, तो हमें लिखना होगा माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मॉडल इक्वल टू करके नई वैल्यू दे देंगे जैसे 2020 एंड उसके बाद हम करते हैं प्रिंट माई डिक्ट। तो देखिए मॉडल की नई वैल्यू असाइन हो गई है एंड पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। ये देखिए तो इस प्रकार से हम अपनी डिक्शनरी की किसी भी की का यूज करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लूप इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में लूप कैसे प्रयोग किया जाता है हम अपने सेट्स के अंदर फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे चुके हैं। किसी भी लूप का काम होता है किसी भी कार्य को एक से अधिक बार परफॉर्म करना, यानी कि अगर हमें मल्टीपल रिजल्ट्स की आवश्यकता होती है या किसी भी काम को अगेन एंड अगेन या फिर बार बार कराना होता है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में नॉर्मली हमारे पास फॉर एंड व्हाइल लूप्स होते हैं, तो हम अभी फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप लिखने के लिए हमें लिखना होगा फॉर, एक वेरिएबल लेना होगा, फिर लिखेंगे इन माई डिक्ट लगाएंगे कोलन। तो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, फॉर तो हमारे लूप का नाम हो गया, उसके बाद एक्स, एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर एक एक वैल्यू एक एक बार में आएगी। इन, इन माने में जाओ, किस में जाओ, माई डिक्शनरी में जाओ। इनके बाद जो भी आइटम लिखा होगा उसमें मल्टीपल वैल्यूज होनी जरूरी है, तो माई डिक्ट के अंदर जाएगा और एक एक आइटम को एक्सेस कर करके एक्स के अंदर स्टोर करता रहेगा और कोलन लगाकर हम फॉर लूप के अंदर जाएंगे और अंदर लिखेंगे प्रिंट एक्स। तो अब क्या होगा, माई डिक्ट में जाएगा एक एक आइटम को एक एक करके उठा कर लाएगा। तो पहला आइटम हमारे पास क्या है, नेम मारुति, तो इसमें क्या होगा माई डिक्ट की जो भी की होगी वो उठा करके एक्स के अंदर रख लेगा। तो पहली की आएगी नेम एक्स के अंदर और लूप के अंदर पहला नेम हमने प्रिंट करा दिया। अगेन हमारा सेकंड टाइम लूप चला, माई डिक्ट के अंदर सेकंड की है कैपेसिटी, तो इस बार सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो हमारे एक्स के अंदर आएगा कैपेसिटी एंड हम एक्स को प्रिंट करा रहे हैं, दैट मींस कैपेसिटी प्रिंट हो जाएगी। थर्ड टाइम जब हमारा लूप चलेगा
उठ करके की आएगी मॉडल। तो इस बार एक्स के अंदर जब मॉडल आएगा तो मॉडल को हमने प्रिंट करा दिया। एंड फोर्थ टाइम जब हमारा लूप रन करेगा तो हमारे पास देखेगा कि चौथा कोई की वैल्यू का पेयर नहीं पड़ा हुआ है। तो जब उसे आइटम मिलना बंद हो जाएगा तो हमारा लूप भी बंद हो जाएगा। तो हमारा लूप तीन बार चलेगा और तीन बार तीनों कीज को प्रिंट कर देगा, डेट मीन्स नेम, कैपेसिटी एंड मॉडल। तो इस तरीके से हम अगर अपनी डिक्शनरी में फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सभी कीज मिल जाती हैं। तो अब बात आती है कि इनकी वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस किया जाए। वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमें प्रिंट के अंदर लिखना होगा अपनी डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स के अंदर क्या आ रहा है, की आ रही है, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में अपने एक्स लिख देना है। अब क्योंकि हम अगर की का नाम देते थे तो उसे सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना होता था, लेकिन यहाँ पर हम एक्स वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्स वेरिएबल है इसलिए हम यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमें नेम पूरा पूरा लिखना होता तो हम सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो वैल्यूज़ होती हैं या फिर स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन हमारा एक्स जो है वो एक वेरिएबल है इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अगर अपनी मैट्रिक्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी की दे देते हैं तो इससे हमें उनकी वैल्यूज मिलने लगेंगी। इस बार अगर हम सेव कराते हैं एंड फाइल को रन करके देखते हैं तो ये देखिए इस बार हमें मारुति 125cc एंड 2018 ये तीन वैल्यूज मिल रही हैं, जबकि अगर हम पहले जैसा एक्स कर देते हैं एंड फिर से रन करके देखते हैं तो ये देखिए हमें सभी कीज मिल रही हैं। वैल्यूज को प्रिंट कराने का एक और तरीका है कि अगर हम इस तरीके से देते हैं तो अभी तक हमें कीज मिल रही थी, लेकिन अगर हम फॉर लूप के अंदर माइडिक यानी अपनी डिक्शनरी का नाम देते समय लास्ट में लगा दें डॉट वैल्यूज फंक्शन, वैल्यूज क्योंकि फंक्शन है तो यहाँ पर साथ में पैरेंथेसिस लगाना होगा, तो इससे क्या होगा हमें डिक्शनरी के अंदर सभी कीज की सारी वैल्यूज मिलने लगेंगी एक एक करके। तो अब हमें एक्स के अंदर कीज ना मिल करके वैल्यूज मिलने लगेंगी। चलिए फाइल को करते हैं रन, ये देखिए हमारे पास सभी वैल्यूज मिलने लगी। तो इस तरीके से भी हम अपनी डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कीज को और वैल्यूज को दोनों को ही प्राप्त कर लिया। लेकिन अब अगर बात आती है कि अगर हमें की और वैल्यू दोनों चाहिए तो हमें क्या करना होगा, तो कीज और वैल्यूज दोनों को प्रिंट करने के लिए हमें आइटम्स नाम का एक फंक्शन दिया गया है। तो वैल्यूज की जगह पर हम लगाएंगे आइटम्स और अब हमें की और वैल्यू दोनों मिलेंगी। अब की और वैल्यू दोनों ही मिलेंगी तो दोनों को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक वेरिएबल में की स्टोर होगी एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स वेरिएबल से काम नहीं होगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल बढ़ाना होगा। तो कॉमा वाई लगा देते हैं, प्रिंट करते समय एक्स कॉमा वाई प्रिंट करते हैं तो सभी की और वैल्यूज एक दूसरे के साथ प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए फाइल को करते हैं रन, ये देखिए सभी की एंड वैल्यूज एक साथ में प्रिंट हो रही है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, हाउ टू चेक एन आइटम एग्जिस्ट और नॉट। कैसे चेक कर देंगे कि कोई आइटम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। किसी आइटम को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इफ कंडीशन लगाते हैं। अगर एक की देते हैं जैसे नेम इन अपनी डिक्शनरी का नाम माई डिक्ट है, तो यहाँ पर फॉर लूप की तरह से ही अगर ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू है तभी हमने इसे डबल कोट या फिर सिंगल कोट में दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू इन माने में है, किसमें है, इस माई डिक्शनरी में है, कोलन लगा करके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, प्रिंट कर दो एक मैसेज नेम एग्जिस्ट। फाइल को करते हैं रन, ये देखिए नेम एग्जिस्ट आ रहा है क्योंकि हमारी नेम नाम की जो की है वो माई डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इफ के बाद ये जो टेक्स्ट वैल्यू आप दे रहे हो ये की ही देंगे, वैल्यू नहीं देंगे। आप इसी तरह से आप कैपेसिटी चेक कर सकते हो, आप इसी तरह से मॉडल भी चेक कर सकते हो कि क्या नेम नाम की कोई की एग्जिस्ट कर रही है या कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है या मॉडल नाम की कोई की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो इस तरह से आप इफ कंडीशन के अंदर की का नाम दे करके माई डिक्शनरी के अंदर चेक कर सकते हो कि वो की मौजूद है या नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ऐड आइटम, किसी नए आइटम को कैसे ऐड किया जाए। लेट सपोज हमारे पास ये डिक्शनरी दी हुई है, इसके अंदर हम कोई एक नया आइटम ऐड करना चाहते हैं यानी कि एक नया की और वैल्यू का पेयर ऐड करना चाहते हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, हम लिखेंगे माइडिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की देते हैं तो यहाँ पर नई की दे देते हैं जिसे भी हम ऐड करना चाहते हैं। लेट सपोज हम दे देना चाहते हैं कलर,
इक्वल टू करके उसकी वैल्यू क्या सेट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू हम देना चाहते हैं रेड। उसके बाद हम प्रिंट करके देखते हैं एडिट को। ये देखिए नेम कैपेसिटी मॉडल एंड कलर, टोटल चार की एन वैल्यू का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी आइटम को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू रिमूव आइटम्स, कैसे हम आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी से। हमारे पास यहाँ पर चार चीज़ें हैं, पॉप फंक्शन, पॉप आइटम फंक्शन, डेल कीवर्ड और क्लियर फंक्शन। तो एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम पॉप आइटम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी की नहीं देते हैं, तो पॉप आइटम फंक्शन हमारा हमारी डिक्शनरी का जो भी लास्ट इंसर्टेड की एंड वैल्यू का पेयर होगा उसे रिमूव करता है। चलिए फाइल को करते हैं रन। ये देखिए नेम है, कैपेसिटी है, जबकि हमारा जो लास्ट इंसर्टेड आइटम यानी कि मॉडल था उसे रिमूव कर दिया गया है। तो हमारा पॉप आइटम लास्ट इंसर्टेड आइटम ऑफ द डिक्शनरी जो भी होगा यानी कि हमारी डिक्शनरी का लास्ट आइटम उसे ही रिमूव कर देता है। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि पॉप आइटम नाम का जो फंक्शन है वो पाइथन के वर्जन 3.7 से पहले के जितने भी वर्जन होते थे उन सब में हमारा पॉप आइटम फंक्शन रेंडमली किसी भी की वैल्यू के पेयर को रिमूव करता था, जबकि पाइथन के 3.7 वर्जन और उसके बाद के जितने भी वर्जन आए हैं उनमें लास्ट आइटम को ही रिमूव करता है। तो चलिए आगे देखते हैं डेल कीवर्ड के बारे में। डेल कीवर्ड क्या करता है, डेल कीवर्ड की मदद से हम अपनी पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें लिखना होगा डेल स्पेस अपनी डिक्शनरी का नाम यानी कि माइडिक। तो अपनी डिक्शनरी को डिलीट करके अब हम अगर उसे प्रिंट करके देखेंगे तो हमें एरर मैसेज मिलेगा। ये देखिए माइडिक इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि हम उसे पहले ही डिलीट कर चुके हैं, उसके बाद हम उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्लियर फंक्शन देखते हैं। तो क्लियर फंक्शन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं सभी आइटम्स को रिमूव कर देता है। यहाँ पर लिखेंगे अपनी डिक्शनरी का नाम माइडिक्ट डॉट क्लियर, इससे क्या होगा हमारी डिक्शनरी के सभी आइटम यानी कि की एंड वैल्यू का पेयर रिमूव कर दिया जाएगा और हमारी डिक्शनरी एक एम्प्टी डिक्शनरी बचेगी। फाइल को करते हैं रन। ये देखिए हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी यानी कि सिर्फ कर्ली ब्रेसेस का सिंबल मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अपने डिक्शनरी में से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू कॉपी अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को कॉपी कैसे किया जाता है। अपनी डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉपी फंक्शन का यूज करना होगा। तो लेट सपोज हम कॉपी करके एक नई डिक्शनरी बनाना चाहते हैं जिसका नाम हम देते हैं न्यू डिक्शनरी। न्यू डिक्ट इज इक्वल टू अपनी डिक्शनरी का नाम माई डिक्ट डॉट कॉपी कॉपी एंड पैरेंथेसिस का सिंबल। इस तरह से क्या होगा, माई डिक्ट में जाएगा और उसकी एक कॉपी बना देगा। कॉपी बना करके इक्वल टू के उस तरफ दिया हुआ है न्यू डिक्ट, एक नई डिक्शनरी का नाम। तो माई डिक्ट की कॉपी बना करके न्यू डिक्ट नाम की एक नई डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट कर देगा और न्यू डिक्ट नाम से एक नई डिक्शनरी मिल जाएगी जिसमें वही सभी आइटम्स होंगे जो माई डिक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। प्रिंट करके देखते हैं न्यू डिक्ट को। ये देखिए न्यू डिक्ट के अंदर भी वही सारे आइटम्स हैं जो हमारी माई डिक्ट के अंदर हैं। इसके अलावा एक और तरीका है डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिस्ट के लिए लिस्ट फंक्शन होता है, टपल बनाने के लिए टपल फंक्शन होता है, सेट बनाने के लिए सेट फंक्शन होता है, उसी तरह से डिक्शनरी को बनाने के लिए एक डिक्ट फंक्शन होता है। फिर से हम देंगे न्यू डिक्शनरी का नाम न्यू डिक्ट इज इक्वल टू हमारी डिक्शनरी का नाम माई डिक्ट और हम अपनी डिक्शनरी का नाम पास करेंगे डिक्ट फंक्शन के अंदर DICT डिक्ट पैरेंथेसिस के अंदर अपनी डिक्शनरी का नाम हमने पास कर दिया इसमें। अब डिक्ट फंक्शन को हम अपनी डिक्शनरी जो भी पास कर रहे हैं वो क्या करेगा, डिक्ट फंक्शन उसकी एक कॉपी बना देगा यानी एक नई डिक्शनरी क्रिएट करेगा और नई डिक्शनरी को न्यू डिक्ट नाम के वेरिएबल को असाइन कर देगा। न्यू डिक्ट में इस तरह से भी हमारी माई डिक्शनरी की एक कॉपी आ गई। फाइल को रन करते हैं। ये देखिए अगेन हमारे पास माई डिक्ट की एक नई कॉपी बनकर तैयार हो गई है जो कि न्यू डिक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है। तो इस तरीके से हम अपनी डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेस्टिंग इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में नेस्टिंग कैसे की जाती है। नेस्टिंग इन डिक्शनरी का मतलब होता है डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। जब एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज बना दी जाती हैं तब उसे नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी बोला जाता है। अब डिक्शनरीज को कैसे एक के अंदर एक मल्टीपल डिक्शनरीज बनाई जाती हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर बस जान लीजिए कि डिक्शनरीज की नेस्टिंग का मतलब है
कि एक डिक्शनरीज के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे उसे एक्सेस किया जाता है। लेकिन ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसे अच्छे से समझाने के लिए मुझे इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो इसे अभी के लिए स्किप कर देते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम जानेंगे कि डिक्शनरीज के साथ नेस्टिंग कैसे की जाती है और किस किस तरीके से की जा सकती है और कैसे उसके अंदर आइटम्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। जैसे लिस्ट में हमने जाना था लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, टपल के अंदर जाना था टपल कंस्ट्रक्टर के बारे में, जैसे हमने जाना था सेट के अंदर सेट कंस्ट्रक्टर के बारे में, उसी तरह से डिक्शनरी में भी डिक्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर होता है। डिक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से हम एक नई डिक्शनरी को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से कैसे डिक्शनरी क्रिएट की जाती है। लेट सपोज कि अपनी डिक्शनरी का नाम हम देते हैं माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डिक्ट एक पहले से बना बनाया यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो लगाएंगे डिक्ट फंक्शन का सिंबल। और जैसे कि लिस्ट टपल और सेट में होता था कि यहाँ पर हमारे पैरेंथेसिस डबल हो जाते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सिंगल पैरेंथेसिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, अपने की एंड वैल्यू का पेयर देंगे। लेट सपोज कि पहले की देते हैं नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो डबल कोट या फिर सिंगल कोट में होगी, जबकि हमारी इस बार डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से जब हम अपनी डिक्शनरी को बना रहे होंगे उस समय कीज जितनी भी होंगी उन पर सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि की के बाद जैसे नॉर्मली डिक्शनरी बनाने में कोलन लगता था की एंड वैल्यू के बीच में, यहाँ पर इक्वल टू लगेगा। नेम के अंदर मैं पहली वैल्यू दे रहा हूँ, सिंगल कोट के अंदर मारुति, कॉमा लगाएंगे। सेकंड की एंड वैल्यू का पेयर क्या होगा, लेट सपोज कैपेसिटी इक्वल टू उसकी वैल्यू सिंगल कोट के अंदर 125 cc, कॉमा थर्ड मॉडल इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए हम इस पर भी सिंगल कोट नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह से डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं, ये देखिए हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। फिर से मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि डिक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से अगर हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं तो पहली चीज कि जब हम की देंगे तो उसे डबल कोट या सिंगल कोट में नहीं लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि की के बाद जहाँ पर नॉर्मली कोलन लगता था की और वैल्यू के बीच में, वहाँ यहाँ पर क्या लगेगा, इक्वल टू का सिंबल लगेगा। और बाकी अगर वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू है तो उसे आप सिंगल कोट या डबल कोट में दे सकते हैं, जबकि अगर एक इंटीजर वैल्यू है तो हमेशा की तरह उसे बिना सिंगल कोट या डबल कोट के देना है। तो इस प्रकार से डिक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से भी डिक्शनरीज को क्रिएट किया जा सकता है। अभी तक डिक्शनरी में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिक्शनरीज की नेस्टिंग कैसे करी जाती है इसके बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।